नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतु गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भगोड़े अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है। अमृतपाल पर उत्तराखंड पुलिस का बयान आ गया। उत्तराखंड पुलिस का कहना है एनआईए की टीम उत्तराखंड नहीं आई, पंजाब पुलिस मामले की जाँच कर रही है जिसमें खुफिया एजेंसियां टीम की मदद कर रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पुलिस हाई अलर्ट पर है क्योंकि आशंका जाहिर की गई है कि हो सकता है अमृतपाल उत्तराखंड के किसी जिले में छिप सकता है। इसीलिए आने जाने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी हो रही है और खुफिया एजेंसियां भी अब इस पूरे मामले में मदद करती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड पुलिस की। उधर देश भर में वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर भी पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, तमाम धर्मशालाओं आश्रमों और होटल की सघन तहकीकात की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस की इंटेलिजेंस के आधार पर हाई अलर्ट है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में जो इनपुट्स प्राप्त हुए थे और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी निर्देश निर्गत किए गए हैं कि आकस्मिक रूप से चेकिंग चलती रहे। साथ ही साथ हमने अपने थाना प्रभारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सदर किया हुआ है। हमारे जो भी गुरुद्वारे और इतने धार्मिक स्थल हैं या हमारे पास होटल लॉज है उनको भी रैंडमली चेक करने को बताया गया। तो जो सतर्कता के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्राप्त हो रहे हैं या कोई भी इनपुट ऐसा प्राप्त हो रहा है उसको समस्त हमारे जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी शेयर किया जा रहा है जिससे कि चेकिंग जो की जा सके ऐसे कोई संदेह। हमारी उद्यम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उद्यम सिंह नगर में हमारे मॉनिटरिंग स्टेप अप की हुई है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित होने जा रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने सहमति के बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो विधि न्याय जो न्यायालय है उसको शिफ्ट करने को लेकर ही ये पत्र किरण रिजिजू की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया था और तमाम जांच करने के बाद अब इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है और नैनीताल हाईकोर्ट अब शिफ्ट कर दिया जाएगा। किरण रिजिजू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लिखकर इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल देखा जा रहा है। देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान भुवन कापड़ी ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा, बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्ता में बैठे लोग राहुल गांधी का उत्पीड़न कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की संस्था को खत्म किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ बोले। इसी के तहत आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण त्यागी ने राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार कांग्रेस से घबरा गई है, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की कृत्य कर रही है। तो कुल मिलाकर देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उत्तराखंड में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर होते हुए कह रही है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कृत्य कर रही है। देखिए ये लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है, ये बिल्कुल हिटलर शाही भाजपा द्वारा की जा रही है और ये विपक्ष को बिल्कुल कुचलने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। आजकल जैसा अडानी वाला मामला था वो पूरे देश में फैल रहा था, उस इस प्रकरण से उन्हें दबाने की, और आज जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता में आक्रोश था, इस तरह के प्रकरण द्वारा मतलब जनता का रुख डाइवर्ट करने के लिए और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए काम किया गया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने प्रेम नगर आश्रम से चंद्राचार्य चौक तक विरोध यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राजबीर चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानूनी दावपेच लगाकर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का काम किया है। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता को वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस सड़क पर उतरकर बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करती रहेगी। सदस्यता को वापस करने अपराध भाजपा पार्टी के द्वारा जो कानूनी दावपेच दिखाकर राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया है वो एक जघन्य अपराध है। उसको लेकर आज कांग्रेस पूरी सड़कों पर है और जब तक इस सदस्यता को वापस नहीं लेंगे ये कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आज ये इस प्रकार का संघर्ष कर रही है, पुतले फूंक रही है। हम इसके बाद जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हरिद्वार में बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति के कर्मचारियों ने C-57 कानून का विरोध किया। C-57 कानून वापस नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने अब तक हरिद्वार के बहादुराबाद, भगवानपुर, रोशनाबाद समेत जिले के कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बता दें जिले में 43 समिति हैं, इनमें करीब 250 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला जिसके कारण कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करने के साथ ही अब आंदोलन शुरू कर दिया और इसकी वजह से किसान भी परेशान चल रहे हैं।